जब कोई फेस्टिवल होता है कोई त्यौहार होता है तो हम लोग अपनी जीप का तो बहुत ध्यान रखते हैं सारी खट्टी मीठी स्पाइसी ऑयली सारी चीज़ें खाते हैं और वो जरूरी भी है त्यौहार आफ्टर ऑल कभी कदर आते हैं लेकिन उसके बाद जो हमारा स्टमक भी चीख चीख के हमसे कह रहा होता है कि अब हमें कुछ भी ऑयली चीज़ें नहीं खानी है हमारा भी कुछ ध्यान रखो तो उसके लिए अब स्मूदीज़ जरूर ट्राई कीजिएगा जो भी आपको पसंद हो तो हम आपके लिए तीन तरह की स्मूदीज़ लेके आए हैं जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक करेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट्स देते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टेस्ट एंड टमी आई एम शिवा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सही मिले नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले तो हमने एक बोल में एकदम अच्छा खासा गर्म पानी डाल लिया इसके अंदर और इसमें हम पालक डाल के रख देंगे थोड़ी देर के लिए अगर आपको इस तरह से पालक का इस्तेमाल नहीं है पालक को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे पहले तीन चार बार पानी से ताकि इसमें सारी डस्ट वगैरह होती वो निकल जाए और इस तरह से पालक का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप एक पैन को गैस पर रख के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से बॉयल कर लीजिए पानी को और उसके अंदर पालक सिर्फ चार से पाँच सेकेंड के लिए थोड़ा सा कुक कर लीजिए तो हल्की से सॉफ़्ट हो जाएगी उसके बाद पालक को ठंडे पानी में डाल दीजिए तुरंत गर्म पानी से निकाल कर उसके बाद आप इस पिनिज का स्मूदी बनाएंगे तो वो ऐसे अगर आपको पसंद है तो वैसे आप बनाइएगा तो हमने यहाँ पे पालक को ढक के रख दिया इस तरीके से अब हम बनाने जा रहे हैं केला और स्ट्रॉबेरी की स्मूदी इसमें टोटल आपकी चॉइस है अगर आपको केला ज़्यादा अच्छा लगता है तो केले की क्वांटिटी ज़्यादा डालिएगा अगर आपको स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद है तो स्ट्रॉबेरी ज़्यादा डालिएगा और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और अगर आप समर्स में पी रहे हैं गर्मियों में पी रहे हैं तो आप ब्लेंडर में ही स्ट्रॉबेरी और केले के साथ में थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दीजिए और साथ में ब्लेंड कीजिए तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ठंडी ठंडी स्मूदी पीने में बहुत अच्छी लगती है और स्मूदी ये बच्चों की भी बहुत फेवरेट होती है उनका जो स्टमक होता है वो भी थोड़ी देर तक फुल रहता है तो इस तरह से आप बनाइएगा आपको बहुत पसंद आएगी अब हम जो नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं मिक्स फ्रूट स्मूदी इसमें हमने संतरे ले लिए हैं सेब लिया है थोड़े से ग्रेप्स लिए संतरे में अगर आपके बीज है तो निकाल दीजिएगा सारे के सारे और मेन चीज़ इसमें हमने अदरक डाली अदरक से स्मूदी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और अदरक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है बहुत फ़ायदा करती है तो अदरक भी आप जरूर डालिएगा और उसे टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है स्मूदी का तो इनको सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेना अच्छी तरीके से मिक्सी में डाल के कि किसी भी फ्रूट्स का कोई भी लम ना रहे इसके अंदर जैसे कि कुछ सेब या एकदम अच्छी तरीके से स्मूद हो जाए उतना हमें ब्लेंड करना है और स्मूदी का फ़ायदा भी यही है कि इसके अंदर फाइबर होते हैं सारे फ्रूट्स के जो हम लोग जो जूस पीते हैं जूस का मज़ा अलग है पीने का लेकिन हम लोग जूस में सारा कुछ निकाल देते हैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पीते हैं तो उससे अच्छा कि स्मूदीज बना के पीजिए तो आपको पूरा का पूरा फ्रूट्स आपके स्टमक में जाएगा और फ़ाइबर बहुत हेल्दी होता है बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्टमक के लिए तो हमारे जो बावल मूवमेंट होता है जरूरी होता है किसी को कॉन्स्टिपेशन की, की प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत जरूरी होता है तो इस तरह से स्मूदी आप जरूर बनाइएगा आपको बहुत पसंद आएगी नेक्स्ट हम बनाने अब नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं इस की स्मूदी पालक कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है सब्जी अगर आप इसकी स्मूदी बना के पियेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी तो पालक को हम ब्लेंडिंग जार में डाल लेंगे और एकदम महीन बारीक पेस्ट बना लेंगे कि कोई भी लम पालक अलग से उसके पत्ते ना रहे उसमें और इसके अंदर जब फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे वो है संतरा तो इस संतरे में अगर बीज हो तो निकाल दीजिएगा सारे के सारे और संतरा और पालक का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और जब मेन चीज़ इसमें हम डालेंगे वो है अदरक तो सारी चीज़ें हमारे सिस्टम को डिटॉक्स करने का भी काम करती हैं जो हमारे बॉडी में टॉक्संस हो जाते हैं ना ऑयली वगैरह चीज़ें खा के तो उसको भी काफ़ी दूर करती हैं और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमको आयरन के साथ में विटामिन सी लेना चाहिए क्योंकि विटामिन सी आयरन को डाइजेस्ट करने का काम करता है तो यहाँ पर पालक के अंदर हमको आयरन मिलता है और विटामिन सी हमें संतरे से मिलता है और एक चीज़ आपको हम और भी बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों को फाइबर तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है जैसे कि हम लोग जो जूस पीते हैं तो उसके अंदर सारा का सारा फाइबर निकल जाता है हाँ जूस पीने का अपना अलग ही मज़ा होता है लेकिन हमको फ़ाइबर भी जरूर इंटेक करना चाहिए हमको अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है और कुछ लोगों को फाइबर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है क्योंकि उनका स्टमक अपसेट हो जाता है तो आप अपने बॉडी के हिसाब से अपने जो स्टमक है आपका उसके हिसाब से आप स्मूदी बनाइए उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं तो यहाँ पे हमने आपको तीन तरह की स्मूदीज़ बताई हैं आपको जो भी पसंद हो वो आप बनाइएगा और इस तरह की स्मूदीज हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे अगर आपको ये रेसिपीज अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी से और हमारे साथ बने रहिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए नए नए आइडियाज़ के लिए तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग